अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। माय नेम इज सारा अहमद। द लेक्चर ऑन द कोर्स ST-A-408 डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इज गोइंग टू डिलीवर ऑन द बिहाफ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान। द लेक्चर नंबर 4 इज स्टार्टिंग ओवर हेयर। As you have studied about randomized complete block design in previous lecture, and you have learned in that the experimental material is divided into groups or blocks in RCBD, and treatments are assigned at random to the experimental units within each block. RCBD ki detail aap previous lecture mein study kar chuke hain. I am assuming that you have a knowledge about randomized complete block design, and now I will move towards a topic when you have to do a replication within block. What does it mean? It means that you are repeating the experiment again, and then each cell would contain n observations. Suppose you are doing 3 replications in block 1. For example, आपने first time experiment run किया, तो maybe treatments in blocks ऐसे randomly assign हों, A, B, C, D. जब आप second time उसी experiment को again perform करें, तो maybe आपके पास ट्रीटमेंट्स इस तरह से आ जाएं, ए सी बी डी। थर्ड रेप्लिकेशन करने से मे बी आपके ट्रीटमेंट्स इस तरह से अलॉट हों, ए सी डी बी। तो ये आपकी एक ब्लॉक में रेप्लिकेशन है, यानी ये आपका ब्लॉक 1 है और ये आपकी रेप्लिकेशन 1 है, रेप्लिकेशन 2, रेप्लिकेशन 3। ये आपका एक कंप्लीट ब्लॉक जिसमें हमने 3 टाइम्स रेप्लिकेशन की है। अब आप देखें कि ये आपका जो फर्स्ट सेल है, ईच सेल में n ऑब्जर्वेशंस हैं, n नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस को शो कर रहा है, और आपकी नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस हैं यहां पर 3। तो ईच सेल कंटेनिंग n ऑब्जर्वेशंस। अगर हमने इसको स्टेटिस्टिकल मॉडल में फॉर्म करना हो तो किस तरह से होगा, y i j l इज इक्वल टू म्यू प्लस बी आई प्लस टॉ जे प्लस बी टॉ आई जे प्लस ई आई जी एल, वेयर आई अज्यूम्स वैल्यूज 1, 2 अप टू आर। इट शोज फॉर ब्लॉक्स और यू कैन से फॉर रोज, अगर आपके ब्लॉक्स जो हैं वो रो वाइज शो हो रहे हैं। तो जे अज्यूम्स वैल्यूज 1, 2, 3 अप टू सो ऑन के। It shows number of treatments L assumes values 1, 2, 3, 4 up to so on N, number of replications. रेप्लिकेशन परफॉर्म करने से मॉडल में इंट्रैक्शन टर्म इंट्रोड्यूस होगी, इंट्रैक्शन बिटवीन आईएथ ब्लॉक एंड जेएथ ट्रीटमेंट। हम इस टॉपिक की ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, यू जस्ट हैव टू पिक द आइडिया। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अनदर टॉपिक, दैट इज मिसिंग ऑब्जर्वेशंस इन रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन। Sometimes it so happens that some experimental units or observations
are missing. For example, plants may be uprooted or destroyed, records may be lost, flasks may break, animals may die, or human beings may not cooperate. These omissions, being beyond the control of the experimenter, affects the balance of the design. If due to any issue, agar observations miss ho, then the simple method suggested by Yates is to estimate the value of the missing observation so that a complete set of data is obtained for carrying out the usual analysis of variance. Suppose in general we have R blocks and K treatments, and the observations for block 1 and treatment 1 in RCBD is missing. I am putting X in place of missing observation. Baki observations in a usual manner, first block, second treatment, up to so on, first block, kth treatment, second block, first treatment, second block, second treatment, up to so on, 2k. Finally, YR1, YR2, up to so on, YRK. सब observations usual manner में उसी तरह से हैं जो आपकी ये first block और first treatment ये missing है. जब हम block total करेंगे तो आपके पास बाकी ऑब्जर्वेशन जो हैं आप उसको उसी तरह से सम कर लेंगे और प्लस कर लेंगे हम साथ जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है. देन सेकेंड ब्लॉक का सम उसी तरह आ जाएगा अप टू सो ऑन आर ब्लॉक्स. और जब आप ट्रीटमेंट को ऐड करेंगे तो फर्स्ट में क्योंकि मिसिंग ऑब्जर्वेशन है टी डॉट टू एंड अप टू सो ऑन के ट्रीटमेंट्स का टोटल आ जाएगा. एंड जब हम इनका ग्रैंड टोटल फाइंड आउट करेंगे तो उसमें भी आपकी मिसिंग ऑब्जर्वेशन इन्वॉल्व है जस्ट लाइक एज. येट्स ने जो मेथड सजेस्ट किया है कि मिसिंग ऑब्जर्वेशन को एस्टिमेट कर लें, डेटा कंप्लीट हो जाएगा, देन यूजुअल जो टेस्टिंग प्रोसीजर है आरसीबीडी के लिए वो रन कर लें. नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ टू एस्टिमेट दैट मिसिंग ऑब्जर्वेशन और द वैल्यू ऑफ दैट मिसिंग ऑब्जर्वेशन. इट कैन बी डन बाय मिनिमाइजिंग द एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स, और एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी डिक्रीज हो जाएगी बाय द नंबर ऑफ मिसिंग ऑब्जर्वेशंस कंप्यूटेड. To get the error sum of squares, we have to perform the analysis of variance. For that purpose, source of variation RCBD mein between treatments, between blocks, within error, or finally total. Ab hum inka sum of squares agar likhein, t dot 1 plus x square. ये बेसिकली जो आरसीबीडी का बेसिक सम ऑफ स्क्वेयर्स निकालने का फॉर्मूला है उसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, लेकिन जो आपकी मिसिंग ऑब्जर्वेशन जहां जहां इन्वॉल्व है उसको हम एज इट इज लिख रहे हैं. प्लस टी डॉट टू स्क्वेयर. वैसे तो हम इसको समेशन की फॉर्म में एक जनरल फॉर्मूला बना देते हैं, अब मिसिंग ऑब्जर्वेशन की वजह से हमें इसको सेपरेट शो करना पड़ रहा है. माइनस टी डॉट डॉट प्राइम प्लस एक्स स्क्वायर ओवर आर के. ये आपका बेसिकली करेक्शन फैक्टर होता है. फॉर ब्लॉक्स
माइनस कर देंगे हम करेक्शन फैक्टर को, एरर जो है वो बाय सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, मतलब ये कि टोटल में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स आ जाएगा। टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स आई जे वाई आई जे स्क्वेयर प्लस मिसिंग ऑब्जर्वेशन का भी स्क्वेयर माइनस करेक्शन फैक्टर अब सम ऑफ स्क्वेयर्स फॉर एरर कैसे आएगा, टोटल में से ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स ब्लॉक सम ऑफ स्क्वेयर्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस एस ई दैट वुड बी इक्वल टू दिस टर्म। इसको मिनिमाइज करने के लिए वी डिफरेंशिएट दी सम ऑफ स्क्वेयर्स एरर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड इक्वेट इट टू जीरो। जब हम इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एरर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज एक्स स्क्वेयर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा तो 2x और आगे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा प्लस 2 प्लस x ओवर के आर, आर के लिख लें या के आर लिख लें एक ही बात है, माइनस 2 टी डॉट 1 प्राइम x ओवर आर माइनस 2 बी वन डॉट प्राइम एक्स ओवर के। मैं इसको इक्वेशन 1 कह रही हूँ। ये मैंने कैसे फाइंड किया कि टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स में से ब्लॉक सम ऑफ स्क्वेयर्स और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स को सब्ट्रैक्ट किया, जैसे इस टर्म में एक्स इन्वॉल्व है इसमें भी और इसमें भी, इन सब टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया और जिनमें एक्स इन्वॉल्व नहीं था उनको सेपरेट कर लिया। अब देखें जिन टर्म्स में x इन्वॉल्व नहीं है उनका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेने से वैनिश हो जाएगा और यू कैन से कि जीरो हो जाएगा। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेट टू जीरो करेंगे तो 2x प्लस दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो। अब मैं इसमें से पूरी टर्म्स में से 2x कॉमन ले लूंगी, 2 यहां पर चला जाएगा तो डिवाइड होके जीरो हो जाएगा और x आपके पास यहां पर रह जाएगा x प्लस टी डॉट डॉट प्राइम ओवर के आर, ये टर्म्स मैंने सेपरेट कर दी है। एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करके एक्स कॉमन ले लेते हैं, माइनस टी डॉट वन प्राइम ओवर आर माइनस बी वन डॉट प्राइम ओवर के इज इक्वल टू जीरो। जब ये टर्म आपकी इस साइड पर चली जाएगी तो यहाँ पे जो साइंस प्लस माइनस में हो जाएंगे माइनस वाले प्लस में चेंज हो जाएंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे, फाइनली के आर माइनस वन माइनस के माइनस आर ओवर के आर इज इक्वल्स टू आर वी वन डॉट प्राइम
plus k t dot 1 prime minus t dot dot prime over k r. फाइनली यहाँ पर ये टर्म आपकी मल्टीप्लाई हो रही है और वहाँ पर इसको ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगी. x इज इक्वल टू आर बी वन डॉट प्राइम प्लस के टी डॉट वन प्राइम माइनस टी डॉट डॉट प्राइम और इन टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएंगी. जब ये यहाँ पर डिवाइड होगा तो आप ये देखें कि ये जो आपका न्यूमरेटर है वो एज इट इज और ये वाला न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. द फॉर्मूला इन जनरल मे बी रिटन एज एक्स इज इक्वल टू आर बी प्लस के टी माइनस जी ओवर के माइनस वन इन टू आर माइनस वन वेयर आर शोज नंबर ऑफ रेप्लिकेट्स के नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स b sum of remaining values in the blocks with the missing observations यानी जिस ब्लॉक में ऑब्जर्वेशन मिस है उसकी बाकी ऑब्जर्वेशंस को आपने सम कर लेना है. सेम एज सम ऑफ द रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ द ट्रीटमेंट विद मिसिंग ऑब्जर्वेशन एंड फाइनली g शोज ग्रैंड टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड वैल्यूज. अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके. एग्जाम्पल इज द फॉलोइंग डाटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन विद थ्री ट्रीटमेंट्स ए बी एंड सी एंड थ्री ब्लॉक्स कंटेन वन मिसिंग ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय एक्स. दिस इज योर डाटा एंड the block 3 treatment C observation is missing and I have put the X there. Estimate the missing observation and prepare a table for analysis of variance. We use the formula X is equal to RB plus KT minus G divided by k minus 1 and r minus 1. अब हम इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अपनी मिसिंग ऑब्जर्वेशन फाइंड करेंगे ताकि डेटा कंप्लीट हो जाए और फिर आप यूजुअल मैनर में अपना एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. जस्ट डिफरेंस कहाँ आएगा एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में. जितनी ऑब्जर्वेशंस मिस थी सपोज इस डाटा में एक मिस है तो आपको एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से वन मोर माइनस करना पड़ेगा. अब ये मिसिंग ऑब्जर्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे. इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो ब्लॉक्स हैं वो तीन हैं तो आर इज इक्वल टू थ्री, ट्रीटमेंट्स ए बी सी वो भी तीन हैं और जहां पर हमारी मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी उस ब्लॉक का रिमेनिंग सम 8 प्लस 16 इज इक्वल टू 24. ये कैसे आया. देखिए यहां आपकी ऑब्जर्वेशन मिस है तो इस ब्लॉक की जो रिमेनिंग है वो 8 और 16 है, आपने इनको सम करना है. इसी तरह ट्रीटमेंट सी में ये वाला मिस है तो आपने इन दोनों को सम करना है. t इज इक्वल टू 15 प्लस 14, 29 ग्रैंड टोटल कि आप तमाम ऑब्जर्वेशंस को सम कर लें 87. फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें 3 इंटू 24 प्लस 3 इंटू 29 माइनस 87 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1. 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 18. आपकी जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन थी उसकी वैल्यू है x इज इक्वल टू 18. यहां पर आपकी ब्लॉक 3 में ट्रीटमेंट C की वैल्यू मिस थी, अब वो 18 है. येट्स टेक्निक के अकॉर्डिंग अब आप जब अपना डेटा कंप्लीट हासिल कर लें इसके बाद यूजुअल मैनर में आप रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन की टेस्टिंग करेंगे और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. उसके लिए फर्स्ट स्टेप हम अपना हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे. H नॉट
mu dot 1 is equals to mu dot 2 is equals to mu dot 3. आपके पास तीन treatments हैं, तो means of three treatments equal हैं, H1, not all treatment means are equal. Next हम बनाएंगे H not prime जो blocks को शो करेगा. 1 dot is equals to 2 dot. तीन ही block हैं इसलिए हम इसको 3 dot तक लेके जाएंगे. इसको alternative hypothesis not all block means are equal. Dot 1 it means IJ. J treatments को show कर रहा है इसलिए वहाँ पर 1, 2 और 3 है और I blocks को show कर रहा है यहाँ पर I की placement पे 1, 2, 3 है और treatments की placement पे यानी J पे मैंने dot लगा दिया. Second step होता है level of significance. अल्फा ले लेते हैं हम यहाँ पर 0.05. थर्ड पे आ जाएगा आपका टेस्ट स्टेटिस्टिक. अब यहाँ पर आप ट्रीटमेंट मीन्स को भी टेस्ट कर रहे हैं और ब्लॉक मीन्स को भी टेस्ट कर रहे हैं. एफ वन, अब मैंने फर्स्ट जो है वो लिखा है ट्रीटमेंट्स के लिए, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर उसका टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइन कर देती हूँ. मीन स्क्वायर फॉर ट्रीटमेंट्स ओवर मीन स्क्वायर फॉर एरर. एफ टू शोज फॉर ब्लॉक्स एस बी स्क्वायर मीन स्क्वायर फॉर ब्लॉक्स ओवर मीन स्क्वायर एरर. टी दिस इज फॉर ट्रीटमेंट्स. एंड एस ई स्क्वेयर इज मीन स्क्वेयर एरर. सेम एज एस ई स्क्वेयर तो आपका मीन स्क्वेयर एरर है लेकिन एस बी स्क्वेयर जो है वो मीन स्क्वेयर फॉर ब्लॉक्स है जो कि आपकी रोज में है. फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन. रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिज़ाइन में कैलकुलेशंस किस तरह की जाती हैं ये आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है, उसे रिकॉल कर लेते हैं. टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स टी एस एस इज इक्वल टू समेशन आई समेशन जे वाई आई जे स्क्वेयर माइनस करेक्शन फैक्टर और करेक्शन फैक्टर जो है वो आपका टी डॉट डॉट स्क्वायर ओवर एन है और एन आपका आर के 9 होगा. जब आप सारी ऑब्जर्वेशंस को स्क्वायर करके सम करेंगे करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 158. करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या है वो भी मैं मेंशन कर देती हूँ. 105 square over 9 that is 1225. ये किस तरह से परफॉर्म किया गया ये आपने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया है कि इन ऑब्जर्वेशंस को किस तरह से सम करना है. सो मैंने उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको ये टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स बता दिया. नाउ यू हैव टू गो फॉर ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स. उसका फॉर्मूला है समेशन जे टी डॉट जे स्क्वेयर ओवर आर माइनस करेक्शन फैक्टर और ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास आएगी 126. ब्लॉक सम ऑफ स्क्वेयर्स इसको मैंने बी एस एस लिख दिया. समेशन आई बी आई डॉट
square over k minus correction factor. Block sum of squares is equal to 24.7. Error sum of squares, total sum of squares minus treatment sum of squares minus block sum of squares. तो error sum of squares आएगा 7.3. अब हम इन values को ANOVA table में put कर देंगे. Source of variation between treatments हो सकती है इसमें, between blocks, within error, यहाँ पे आ जाएगा total of all. अब देखें आपके पास तीन treatments हैं, तो आपकी जो degrees of freedom है new one, वो क्या होगी? Treatments कितने हैं आपके पास? K-1, ये आपके पास आ जाएगा 3-1, 2 आ जाएगी. Blocks भी आपके पास तीन हैं, तो आपकी सेकेंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर ब्लॉक्स 3-1 करेंगे तो 2 आ जाएगी. न्यू 3 ये आपके पास होता है R-1 इंटू K-1. अब आपको क्या करना है कि जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन आपने फाइंड की है उसके लिए मैंने आपको बताया था कि एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हैव बीन डिक्रीज्ड बाय 1. इट मींस कि आप इसमें से -1 करेंगे. न्यू 3 आपके पास आ जाएगी 2 × 2 = 4 − 1 = 3. इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को टोटल करें, 2 + 2 = 4 + 3 = 7. सम ऑफ स्क्वेयर्स हमने फाइंड किए हैं, उनकी वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर रही हूँ. ट्रीटमेंट के लिए आया था 126, ब्लॉक्स के लिए 24.7, एरर के लिए था आपके पास 7.3 एंड टोटल एसएस वाज 158. अब आपको यहाँ पर एस टी स्क्वायर चाहिए, वो कैसे आएगा? 126 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, 63 एस बी स्क्वायर, बी एस एस ओवर न्यू 2, यानी कि 24.7 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 12.35. यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट कर दी हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, और यहाँ पे मैंने जनरल फॉर्म लिखी है ताकि आपकी मजीद अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज के लिए. 7.3 इसको डिवाइड करेंगे 3 पर तो मीन स्क्वायर एरर आ जाएगा एस ई स्क्वायर, दैट इज 2.43. अब आपको एफ वन चाहिए, एस टी स्क्वायर ओवर एस ई स्क्वायर. एस टी स्क्वायर है आपके पास 63 और एस ई स्क्वायर है आपके पास 2.43. एफ वन आ जाएगा आपके पास 25.9. एफ टू, एस बी स्क्वायर ओवर एस ई स्क्वायर 12.35 डिवाइडेड बाय 2.43, यू विल गेट अ रिजल्ट 5.08. फिफ्थ स्टेप है क्रिटिकल रीजन. रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस F. F1 जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर ट्रीटमेंट्स है, अगर वो एक्सीड कर जाए इस क्राइटेरिया से, अल्फा 0.05 है, न्यू 1 2 है और न्यू 3 3 है, अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा तो आपका ट्रीटमेंट्स का हाइपोथेसिस एच नॉट रिजेक्ट होगा, और अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो आपका ब्लॉक्स का हाइपोथेसिस एच नॉट
प्राइम रिजेक्ट हो जाएगा। अब देखें आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू F1 है वो 25.9 है और जो आपकी टेबुलेटेड वैल्यू आएगी 0.05 F के टेबल में 2-3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखने से वो है 9.55 और ये इससे ग्रेटर है। सो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट को और आपकी ब्लॉक्स के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो सेकेंड आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक है 5.08 वो लेस है 9.55 से। सो डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट प्राइम। फाइनली आप यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि एज आवर कैलकुलेटेड वैल्यू F1 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, सो ऑल the treatment means are not equal but the F2 second calculated value does not lie in rejection region, we conclude that all the block means are equal. Efficiency of randomized complete block design relative to a completely randomized design. For experimental design, efficiency relates to the ability of a design to achieve the objective with minimal expenditure of resource such as time and money. Its relative efficiency is usually expressed in terms of a ratio of error variances. Relative efficiency कैसे calculate की जाती है? Relative efficiency of randomized complete block design to completely randomized design. Numerator में आप रखेंगे estimated mean square error for completely randomized design. Denominator में mean square error for the randomized complete block design. ये basically आप ratio find out कर रहे हैं। जो आपने analysis of variance table construct किया होता है वहां से आप R-1 value pick करें और this SB square shows mean squares for block for blocks, this is the mean squares for error and this is again the mean squares for error. R की वैल्यू भी आपको वहां से मिल जाएगी, K-1 की भी, RK-1 की भी, जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉलम में शो हो रही होती है। और जब आप सम ऑफ स्क्वेयर्स फाइंड आउट करते हैं और उनको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास मीन स्क्वेयर्स आ जाते हैं, वो आप यहाँ पुट करेंगे। ये किस तरह से फाइंड की जाती है इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। Given the following analysis of variance for randomized complete block design, this is your table. Source of variation between blocks, between treatments within error. यहाँ पे आपके पास degrees of freedom available हैं, जो आपने randomized complete block design perform करते हुए ये सारी calculations हासिल की हैं. Sum of squares, mean squares.
अब देखें आपके पास जो ब्लॉक्स है उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 9 और सम ऑफ स्क्वेयर्स है 0.4074। जब आपने 0.4074 को 9 पे डिवाइड किया तो आपके पास मीन स्क्वेयर फॉर ब्लॉक्स आ गया 0.0453। सेम एज जब आप ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स को इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3995 आपका मीन स्क्वेयर फॉर ट्रीटमेंट्स आ जाएगा। एंड फाइनली जब आप 0.6247 को डिवाइड करेंगे 27 पे तो आपके पास मीन स्क्वेयर एरर आ जाएगा, दैट इज 0.0231। अब यहां से आपको वैल्यूज लेनी है और रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। बेसिकली इस एग्जाम्पल में आप एस्टिमेट करेंगे द एफिशिएंसी ऑफ दिस डिजाइन रिलेटिव टू कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब देखें जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपके पास फर्स्ट शो हो रही है वो किसके लिए है, आपके पास ब्लॉक्स के लिए है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर सीवीडी में आपने देखा होगा आर माइनस वन है ब्लॉक्स के लिए, दैट इज इक्वल टू 9। के माइनस वन 3 है और 39 शो कर रहा है आर के माइनस वन को। जब आपने इन सबको आर के माइनस वन 39 में से 9 और 3 सब्ट्रैक्ट किए तो आपके पास एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 27 आ गई। ये आपके पास मीन स्क्वेयर फॉर ब्लॉक्स है, दिस इज फॉर ट्रीटमेंट्स एंड दिस इज मीन स्क्वेयर फॉर एरर। अब हम रिलेटिव एफिशिएंसी फाइंड करेंगे। वैल्यूज पुट करें 9 यानी आर माइनस वन इज इक्वल टू 9 है, 0.0453 ये आपका एस बी स्क्वेयर है, प्लस 10 आर को शो कर रहा है यानी आर माइनस वन 9 है तो प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। 3 के माइनस 1 और ये आपका मीन स्क्वेयर एरर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 39 यानी आर के माइनस 1 0.0231। रिलेटिव एफिशिएंसी 1.1007 डिवाइडेड बाय 0.9009 इज इक्वल टू 1.22, दैट इज 122%। This indicates that the randomized complete block design is 122% as efficient as the completely randomized design. Hope you will understand how can we find the relative efficiency of randomized complete block design to a completely randomized design. For more understanding or practice, you have to solve these questions. Question number 1 is determine the missing observation and compute the analysis of variance. This is the given table for randomized complete block design. You can see that there are 3 blocks denoted as 1, 2, 3 and there are 5 treatments A, B, C, D and E. The observation in the second block A treatment is missed, denoted by Y2A. 2 shows that block number 2, second block A treatment A. Usually observations ko hum Y se denote kar rahe hote hain, isliye is example mein Y2A se show kiya gaya hai. Jo previous example humne study ki thi usme maine X put kar diya tha, isse koi fark nahi padta, aapne isko usual manner mein usi tarah Yates method apply karna hai. और आप Y2A की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर आप अपना कंप्लीट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन के लिए। आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, आप इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे, मैं आपको जस्ट हिंट्स दूंगी। फर्स्ट स्टेप, आप उसी तरह से हाइपोथेसिस डिफाइन कर लें, एच नॉट म्यू डॉट ए इज इक्वल टू म्यू डॉट बी। 5 ट्रीटमेंट्स हैं तो आपको वहां तक इसे लिखना है, डी एंड ई।
All the treatment means are equal, formulated in H naught. H1 है not all treatment means are equal. H naught prime तीन ब्लॉक्स हैं, वन डॉट टू थ्री. H1 prime would be like this, not all block means are equal. Second step, level of significance. अल्फा 0.05 ले लें. थर्ड स्टेप पे आपको अपना टेस्ट स्टेटिस्टिक लिखना है. F1 और F2 आप यहां पे डिफाइन कर लें. F1 आप ट्रीटमेंट्स के लिए लिख लेंगे और F2 ब्लॉक्स के लिए. टेस्ट स्टेटिस्टिक डिफाइन करने के बाद फोर्थ स्टेप है कैलकुलेशन. फॉर्मूला यूज करते हुए आप वाई टू ए जो मिसिंग ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड कर लें. देन आप अपना एनोवा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे. एंड रिमेम्बर, जब आप एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डिफाइन करेंगे के माइनस वन इंटू आर माइनस वन, तो आपकी एक मिसिंग ऑब्जर्वेशन है, आपको एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में से वन डिक्रीज करना है. सो सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम दिस. फॉर योर कन्वीनियंस मैं आपको कुछ आंसर्स बता देती हूँ ताकि जब आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करें तो अपने आंसर्स को इससे मैच कर लें. सम ऑफ स्क्वेयर्स की वैल्यूज ये हैं, ट्रीटमेंट्स, ब्लॉक्स, एरर, टोटल. ट्रीटमेंट सम ऑफ स्क्वेयर्स 17.6 आएगा. ब्लॉक सम ऑफ स्क्वेयर्स वुड बी 5.2. एरर सम ऑफ स्क्वेयर्स 0.8. टोटल सम ऑफ स्क्वेयर्स 23.6. आपने कंप्लीट अनोवा बनाना है और आंसर्स मैच करने के लिए ये मैंने आपको हिंट्स दिए. फिफ्थ स्टेप, क्रिटिकल रीजन. एंड फाइनली कंक्लूजन. ये वो केस था जब आपके डाटा में मिसिंग ऑब्जर्वेशन है. इस लेक्चर में हमने एक और टॉपिक स्टडी किया था, दैट वॉज एफिशिएंसी ऑफ रैंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन रिलेटिव टू कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन. उसकी प्रैक्टिस के लिए भी मैं एक क्वेश्चन आपको बता रही हूँ. Given the following analysis of variance for randomized complete block design, fill in the mean squares, estimate the efficiency of this design relative to completely randomized design. इस क्वेश्चन में आपके लिए सोर्स ऑफ वेरिएशन डिफाइन कर दिए गए हैं, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज भी हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स भी गिवन हैं, आपको मीन स्क्वेयर फाइंड आउट करने हैं. देन आप रिलेटिव एफिशिएंसी निकालेंगे आर से बड़ी टू CRD. मीन स्क्वेयर कैसे फाइंड किए जाते हैं? ट्रीटमेंट मीन स्क्वेयर्स ST स्क्वेयर, मीन स्क्वेयर फॉर ट्रीटमेंट्स 134.45 डिवाइडेड बाय इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. द आंसर इज 44.82. SB स्क्वेयर, मीन स्क्वेयर फॉर ब्लॉक्स. Sum of square for blocks है 21.46 divided by its degrees of freedom 4 and you will get a result 5.36. Mean square error 26.26 divided by its degrees of freedom 2.19 आएगा. After the completion of this table,
you have to find efficiency of RCVD relative to CRD. Formula previously हम देख चुके हैं, R minus 1 mean square for blocks plus R into K minus 1 mean square error. ये आपके पास estimated mean square error for CRD है. अब आप यहां पर लिखेंगे mean square error for RCVD. R K minus 1 S E square. Values put करें. 5 minus 1 5.36 plus 5 into 4 minus 1 2.19 mean square error है. Five into four minus one 2.19. Finally, answer is 1.30 or 130%. This indicates that RCVD is 130% as efficient as the completely randomized design or CRD. Thank you so much.